दोस्तों मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बू यानी स्मेल के रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स। दोस्तों इस मुकम्मल सबक को एक ही पिक्चर में डाउनलोड करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और एक ही पिक्चर में ये मुकम्मल सबक अपने पास महफूज कर लें। सबसे पहले वर्ड बू को समझ लेते हैं। वर्ड बू की इंग्लिश है स्मेल। अब जब हम बात करते हैं कि इस चीज़ में से स्मेल आ रही है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसमें से गंदी बू आ रही है, ठीक है। बदबू अलग वर्ड है और बू अलग वर्ड है, तो बू को बदबू या गंदी बू हरगिज़ मत समझें, ठीक है। स्मेल अच्छी भी हो सकती है, स्मेल तेज़ भी हो सकती है, स्मेल हल्की भी हो सकती है, तो मुख्तलिफ़ तरह की स्मेल्स हैं, राइट। तो स्मेल को मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए, स्मेल के बारे में मज़ीद बताने के लिए हमारे पास और वर्ड्स मौजूद हैं जिनको हम आगे सीखते हैं। अगर खुशबू हो तो उसके लिए सेंट या परफ्यूम का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आप सब लोग बखूबी जानते होंगे, सेंट और परफ्यूम। अरोमा और फ्रेग्रेंस। अरोमा, अरोमा बेसिकली अच्छी लेकिन एक मुख्तलिफ अलग सी खुशबू को कहते हैं। लेकिन ये वाली जो खुशबू है, अच्छी खुशबू, ये आम तौर पर खाई पी जाने वाली चीज़ों को डिफ़ाइन करती है, यानी उनकी स्मेल के बारे में जब हम बात करते हैं, उनकी अच्छी महक की हम बात करते हैं, तो हम उसके लिए अरोमा का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस बेसिकली अच्छी खुशबू यानी खुशबू, सेंट या परफ्यूम के लिए, ठीक है, या इतर के लिए, इस तरह की, यानी जो खुशबुएँ हैं, जो सेंट परफ्यूम्स वगैरह हैं, उनके लिए हम फ्रेग्रेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि अरोमा और फ्रेग्रेंस ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों के मतलब खुशबू हैं, लेकिन अरोमा खाने पीने की चीज़ों के लिए, जबकि फ्रेग्रेंस जो खुशबुएँ हम लगाते हैं उनके लिए वर्ड है, ठीक है। ओडोर, ये वर्ड बेसिकली बदबू के लिए है स्पेसिफिकली, ठीक है, या स्टिंक, स्टिंक भी बदबू ही है लेकिन शदीद किस्म की, राइट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इन वर्ड्स को मैं मज़ीद आपके लिए आसान बना दूं, यहीं से हम और वर्ड सीखते हैं। स्मेली, स्मेली बदबूदार, ठीक है। तो उसके बाद हम कहते हैं जी अरोमेटिक, खुशबूदार, और फ्रेग्रेंट, यहाँ पर अगर हम टी लगा दें फ्रेग्रेंट, तो ये भी खुशबूदार, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको हटा के यहाँ पर टी लगा देते हैं तो क्या बन गया, फ्रेग्रेंट। और यहाँ पर अगर हम वाई लगा देते हैं तो ये क्या बनेगा, स्टिंकी। स्टिंकी मतलब शदीद बदबूदार, सड़ा गली सड़ी बू वाला, ठीक है। ओके, जैसे हम कह सकते हैं जी स्टिंकी सॉक्स, ठीक है। अगर किसी ने 3-4 दिन सॉक्स पहन ली हैं तो क्या हो गया, सॉक्स अब स्टिंकी सॉक्स बन गई हैं, राइट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अगर हल्की सी मध्यम सी स्मेल हो तो हम उसको फेंट स्मेल बोलते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज स्मेल हो तो उसको हम हैवी स्मेल बोलते हैं। समटाइम्स लोग बहुत ज़्यादा हैवी परफ्यूम्स या सेंट्स लगा लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम हैवी स्मेल्स बोलते हैं, ठीक है, हैवी स्मेल। अच्छा, अगर स्मेल नशावर सी, नशीली सी और अपनी तरफ माइल करने वाली हो, ठीक है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है, ठीक है, बहुत अच्छी स्मेल होती है, तो उसको हम इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल जी। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा गंदी बू हो तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होगा नैस्टी स्मेल। नैस्टी का मतलब वैसे होता है गंदा, गलीज, बहुत गंदा, ठीक है, और उसके साथ स्मेल का वर्ड लग गया। इसी तरह से इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब होता है नशा आवर, नशीला, ठीक है, जो अपनी तरफ माइल करे या नशे में मुबतला करे आपको, ठीक है, तो उसके लिए इंटॉक्सिकेटिंग का वर्ड यूज़ होता है। हैवी हम आमतौर पर यूज़ करते रहते हैं। फेंट भी इसी तरह से एक अलग वर्ड है, लेकिन साथ में हमने सब वर्ड्स के साथ स्मेल लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अगर कोई बू बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली हो, इतनी तेज़ हो कि वो सूंघने से चुभे, ठीक है, तो उसको हम पंजेंट स्मेल बोलते हैं, ठीक है, पंजेंट, राइट जी।
मज़ीद अगर किसी बू को सूंघ कर कै आवर आपकी फीलिंग्स हो जाएं, ठीक है, या आपको बहुत ही ज़्यादा घिन आए, तो ऐसी बू को हम क्या कहते हैं? नॉजियरिंग स्मेल. क्या कहते हैं? नॉजियरिंग स्मेल, राइट. बदबूदार के लिए हमने ऑलरेडी वर्ड्स कुछ सीखे हैं, जिसमें स्टिंकी था, ठीक है, और स्मेली था. तो ये हमारे पास स्मेली वर्ड हो गया और ये स्टिंकिंग, राइट. आपके सामने खाना पेश किया जाए या आपको किचन से खाना बनने की खुशबू आ रही हो, तो अगर आपको लगे कि वो खुशबू बहुत मज़े की है, ठीक है, और आपकी भूख और बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि वो है सेवरी अरोमा. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि अरोमा का मतलब महक है, खुशबू है, लेकिन अरोमा खाने पीने की चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये बहुत डिफरेंट सी खुशबू होती है, राइट. सो सेवरी अरोमा, सेवरी वर्ड भी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब है मज़ेदार. अच्छा, परफ्यूम्ड और सेंटेड, ये दो वर्ड्स एक ही तरह से यूज़ किए जाते हैं. अगर कोई चीज़ परफ्यूम्ड है तो इसका मतलब है कि उसमें खुशबू ऐड की गई है, ठीक है, या सेंट उसमें ऐड की गई है, राइट. सो दिस इज़ व्हाई उन्हें हम सेंटेड और परफ्यूम्ड कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें सेंट और परफ्यूम ऐड किया गया है. जी, ओके. सो फ्रेग्रेंट, खुशबूदार, जैसे हम पहले सीख चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं. और अब दोस्तों हम कुछ ऐसे वर्ड सीख लेते हैं जो कि बेसिकली खुशबू अगर किसी और चीज़ जैसी हमें लगे तो उसके लिए कैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ज़रा वो वर्ड सीख लेते हैं. जैसे अगर आपको किसी चीज़ में से मट्टी जैसी खुशबू आए, मट्टी की तरह की खुशबू आए, तो आप उसे क्या कहते हैं? अर्थी स्मेल, राइट, अर्थी स्मेल. और अगर किसी चीज़ में से फूलों जैसी खुशबू आए तो फ्लावरी या फ्लोरल स्मेल, ठीक है. अगर फलों जैसी यानी फ्रूट्स जैसी आपको स्मेल आए, खुशबू आए, तो आप उसे कहते हैं फ्रूटी स्मेल. और अगर चिमड़े जैसी खुशबू या बू आए, ये आप पर है कि आपको चिमड़े की खुशबू यानी सॉरी बू कैसी लगती है, तो आप उसे बू या खुशबू कह सकते हैं, चिमड़े जैसी बू, लेदरी स्मेल. और इसी तरह से जैसे हॉस्पिटल्स में से या फार्मेसीज में से एक ख़ास किस्म की स्मेल आ रही होती है जिसको हम कहते हैं मेडिसिनल, मेडिसिनल, ठीक है, स्मेल. और पुदीना जैसी खुशबू को हम मिंटी स्मेल बोलते हैं. और धुएं जैसी या सिगरेट जैसी जो स्मेल है उसको हम स्मोकी स्मेल बोलते हैं, ठीक है. अगर लकड़ी जैसी बू हो तो उसको हम कहते हैं वुडी स्मेल. ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडे. वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय फॉर नाउ.